गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट टुडे इज टेन ऑफ अवर हिंदी बुक सो इन क्लास सिक्स टुडे वी स्टडी अवर हिंदी बुक एंड लेट्स सी व्हाट इज अवर टुडे वर्क इन हिंदी। बच्चों हम हमारा सेकंड चैप्टर बचपन कर रहे थे। फर्स्ट और सेकंड जो फर्स्ट हमारा पहले हो गया था उसको कंप्लीट किया, सेकंड हमारा बचपन चल रहा था जिसमें जो लेखिका कृष्णा सोबती उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया था कि आज से पहले जो इनका बचपन था वो आज के बच्चों की तुलना में कैसा था, कैसा उन्होंने अपना बचपन बिताया था, किस प्रकार से उनका आनंददायक बचपन था। तो ये हमने जो लेखिका थी उनके बचपन के बारे में पढ़ा था। ये हमारा पूरा व्याख्या हमने कर ली थी, इसके हमने समझ लिया था। आज इसी चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए हमारे क्या रहेंगे क्वेश्चन आंसर। तो देखिए पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास संस्मरण से लेखिए, आपको आपको वर्क क्या करना वो देखिए। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। अब लेखिका ने कहा था इतवार का होता है रविवार, संडे के दिन लेखिका के द्वारा क्या किया जाता था, यानी उनके जो फैमिली में बच्चे थे उनके द्वारा क्या किया जाता था, स्पेशली हमें बताना लेखिका के द्वारा क्या किया जाता था। देखिए लेखिका बचपन में इतवार यानी रविवार की सुबह अपने मोजे धोने और अपने जूतों पर पॉलिश करने का काम करती थी। अब जब रविवार होता था तो घर के सभी बच्चों के द्वारा क्या किया जाता था, उनके जो जूते थे उनके मोजे उनको धोने का काम करते और मोजे धोते और साथ ही अपने जूतों के ऊपर पॉलिश करते थे। दूसरा है तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। अब लेखिका ने हमारे चैप्टर में कहा था कि जो तुम्हारा बचपन है, आज के बच्चों का जो बचपन है और जो मेरे समय का जो बचपन था उसके अंदर कितना बदलाव आ चुका है। तो लेखिका ने किन किन बातों का उदाहरण देके इस बदलाव को बताया था। तो देखिए लेखिका ने जो उदाहरण दिए थे उन्हीं उदाहरणों को हमें बताना है ताकि हमें पता चले कि पहले के बच्चों का जो बचपन था और आज के बच्चों का जो बचपन है उसमें कितना अंतर आया है। देखिए लेखिका बताती है कि उनके समय में कुछ घरों में ग्रामाफोन होते थे, रेडियो टेलीविजन ही थे। उनके समय में मिलने वाली कुल्फी अब आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसे पेटीज में बदल गए, शहतूत फाल से और खसखस के शरबतों की जगह अब कोक और पेप्सी आ गई है। पहले कोक की जगह लेमनेड और विमटो चलती थी। लेखिका ने बताया है कि पहले के ज़माने में, पहले के बचपन में और आज के बचपन में इतना फ़र्क है कि पहले घरों में रेडियो टेलीविज़न नहीं होते थे, आजकल जो है रेडियो टेलीविज़न मिलते हैं। पहले ग्रामाफोन थे जिसमें क्या थे, सिर्फ हम गाने सुन सकते थे और उसकी जगह पहले क्या मिलती थी, कुल्फियाँ जो मिलती थी, बर्फ़ की जो कुल्फियाँ मिलती थी, आजकल बच्चे इनको आइसक्रीम बोलते हैं, यानी उनकी जगह आइसक्रीम ने ले ली है। कचौड़ी समोसे जब हम खाते थे तो कचौड़ी समोसों की जगह लोग अब क्या खाने लगे, पेटीज खाने लग गए। शहतूत और फाल से खसखस आदि के जो शरबत बनते थे, मीठे शरबत, उनकी जगह बच्चे आजकल कोक और पेप्सी पीने लग गए। कोक पेप्सी बच्चों की पसंद बन गई है। और पहले कोक की जगह यानी शरबत आते थे, उसकी जगह कोक की जगह क्या आते थे, लेमनेड और विमटो चलती थी। तो ये अंतर था किसका, पहले के बचपन का और आज के बचपन में इतना अंतर आ गया है। आगे है थर्ड, देखिए पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कर चिढ़ाते थे। लेखिका ने कहा है कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा, यानी कि हमने किताब में पढ़ा था कि लेखिका जो आंखों के डॉक्टर के पास जाके चश्मा लगा के आई, तो चश्मा लगाने के बाद में उसके जो भाई बहन थे, चचेरे भाई, उन्हें क्या चिढ़ाते, कैसे चिढ़ाते थे। देखिए लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि वे रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर काम करती थी। चश्मा लगाने पर लेखिका का चेहरा अजीब सा लगता था, इसलिए उनके चचेरे भाई उन्हें चिढ़ाते हुए कहते, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अब लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा था क्योंकि जब वो रात के समय काम करती थी, वो टेबल लैंप पे जो छोटा सा लैंप था उसकी रोशनी में काम करती थी, तो इस वजह से उनकी आंखों पे काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ता और इस कारण उनको चश्मा लगाना पड़ा। और चश्मा लगाने के बाद में उनकी जो शक्ल थी वो अजीब सी हो गई थी, तो उसके जो चचेरे भाई थे उन्हें चिढ़ाते थे, क्या बोल के चिढ़ाते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, कि आँखों पर चश्मा लगाया है ताकि उसको दूर का दिखाई दे सके, ये लड़की नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है कोई लंगूर यानी बंदर है, ये कहकर उनके चचेरे भाई चिढ़ाते थे। आगे फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मजा ले लेकर खाती थी, उनमें से कुछ फलों के नाम लिखो। लेखिका के द्वारा खूब सारी चीज़ें बताई गई थी जो लेखिका के द्वारा मजे ले लेकर खाई जाती थी, उनमें से हमें उन चीज़ों के नाम लिखने और जो फल उनके द्वारा खाए जाते थे उनके नाम लिखने। देखिए लेखिका बचपन में चॉकलेट और कई तरह के फल, चने और जो चने जोर गर्म, चेस्टनट मजा ले लेकर खाती थी। लेखिका के द्वारा चॉकलेट खाई जाती, अलग अलग प्रकार के फल, चने जोर गरम, चेस्टनट
ये खाए जाते थे। उसके अलावा शिमला के काफल, रसभरी, कसमल आदि फल उन्हें अच्छे लगते थे। उसके अलावा फलों में उनको काफल अच्छे लगते थे, रसभरी, कसमल आदि फल उनकी पसंद के फल थे। अब आगे हैं संस्मरण से आगे हैं। देखिए, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में संस्मरण से आगे, अब कहानी से आगे, यानी ये संस्मरण था। संस्मरण इसको कहानी क्यों नहीं बताया गया, यानी कि ये स्मृति, यानी ये जो यादें थी उन यादों को बताया गया है, यादों को कहानी का रूप दिया गया था। अब देखिए, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। यानी कि लेखिका का बचपन काफ़ी समय पहले की बात है, तो उस जमाने में हवाई जहाज की जो आवाज़ आती थी, घुड़सवारी थी, ग्रामोफोन की आवाज़ थी, शोरूम में जो मॉडल बनाया हुआ था शिमला से कालका जाने की ट्रेन का जो मॉडल था, वो उनके ज़माने की आधुनिक चीज़ें थी, उनको वो नहीं लगती थी। लेकिन आजकल जो आधुनिक चीज़ें आ गई हैं वो हमें लिखनी है। देखिए, आजकल इतनी नई नई चीज़ें आ गई है और आती ही जा रही है कि उन्हें देखकर आश्चर्य नहीं होता। जैसे वैसे टीवी, मोबाइल फ़ोन, वीडियो कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, वीडियो गेम्स आदि मुझे आकर्षित करते हैं। अब क्या कहा है कि पहले के ज़माने की बजाय आजकल इतनी सारी नई नई चीज़ें आ रही है और आती जा रही है, तो उनको देख के आश्चर्य नहीं लगता कि लगता है ये तो विज्ञान की देन है। तो टीवी, मोबाइल फ़ोन, वीडियो कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, वीडियो गेम्स, ये मुझे आकर्षित करते हैं, यानी आज के बच्चों को जो आकर्षित करते हैं उनके बारे में। आगे हैं, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से देखो। इसमें छात्र स्वयं करें, यानी हर बच्चे की अपनी बचपन की अलग याद होती है, तो यहाँ बच्चा खुद से करेगा। आगे हैं अनुमान और कल्पना। सन 1945 के लगभग लेखिका का जन्म शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो, यानी कि लेखिका का जन्म कब हुआ था, 1935 से 40 के लगभग, यानी कि उस समय उनका बचपन वहाँ बीता था। कहाँ, शिमला में। 1935 और 40 के बीच में उनका बचपन शिमला में गुजरा था, तो उस समय शिमला कैसा था वो हमें लिखना है। देखिए, वर्तमान समय में औद्योगिकरण के कारण शिमला भले ही बदल गया हो, किंतु सन 1935-40 के समय के शिमला की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती होगी। अब ये कल्पना है कि यानी पहले के ज़माने में, यानी काफ़ी समय पहले की बात है, आज से कम काफ़ी ज़्यादा साल पहले की बात है, कि उस समय जब शिमला होगा तो उसमें प्राकृतिक नेचुरल जो ब्यूटी थी वो काफ़ी ज़्यादा रही होगी। आजकल तो क्या है, औद्योगिकरण, यानी फैक्ट्री ज़्यादा बन गई, तो इस कारण फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं ने प्राकृतिक सुंदरता को नष्ट कर दिया है। उस समय ये नहीं था, तो शिमला की सुंदरता थी वो काफ़ी ज़्यादा रही होगी। चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत की चोटियां, घने वन, उस समय मिलने वाले भोज्य पदार्थों की बात ही अलग रही होगी। और क्या होता था, जब औद्योगिकरण नहीं था तो चारों तरफ क्या थी, बर्फ से ढकी हुई चोटियां थी, खूब सारे पेड़ पौधे थे, घने वन थे, और वहां जो भोजन मिलता था वो प्रदूषण मुक्त होता था, तो भोजन ही अलग प्रकार का होता था। शिमला का प्राकृतिक वातावरण आज की अपेक्षा बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ रहा होगा। वर्तमान समय के जैसा प्रदूषण तब न के बराबर ही रहा होगा। इन सबके अतिरिक्त शिमला का रीजन, जाखू का पहाड़, ऊंचाई पर स्थित चर्च, मॉल की दुकानें, स्कैंडल पॉइंट जैसे स्थान थे जो उस समय में अपना विशेष स्थान रखते थे। उपयुक्त तथ्यों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि लेखिका के बचपन के दिनों में शिमला की सुंदरता देखने लायक रही होगी। अब क्या कहा था, उस समय जो प्रदूषण होता था आज के समय की तुलना में, उस समय जो प्रदूषण था वो काफ़ी कम था, यानी न के बराबर प्रदूषण हुआ करता था, और खूब सारी देखने वाली चीज़ें थी, जैसे कि स्कैंडल पॉइंट था, चर्च मॉल की दुकानें, ये सब क्या थी, वहाँ की उस समय की देखने लायक चीज़ें थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि शिमला में लेखिका ने काफ़ी अच्छा समय बिताया था, और शिमला में उनके बचपन में काफ़ी अच्छे वातावरण रहा होगा। दूसरा है, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। अब लेखिका ने सर्वर के माध्यम से, यानी सर्वर को संबोधित कर करके बातें बता रही थी, तो अब सर्वर हमें नहीं बताया कौन था, तो उसके बारे में हमें बताना है, यानी अनुमान लगाना कि कौन हो सकता था। सर्वर लेखिका का कोई पुत्र या पोत्री या किसी निकट संबंधी का पुत्र या पुत्री भी हो सकता है। संस्मरण में सर्वर शब्द के अतिरिक्त कोई अन्य विवरण प्राप्त नहीं होता जिससे उसका पूरा परिचय प्राप्त हो। अब लेखिका क्या, जैसे हम हमारी जो बचपन की बातें बताते हैं, हमारी पुरानी बातें बताते हैं, तो किसी को संबोधित करके ही बताते हैं, तो इसमें सर्वर को संबोधन करके बताया गया था।
जो बातें लेखिका ने अपने बचपन की बताई थी वो सर्वर को बता रही थी। अब सर्वर के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया कि सर्वर कौन था, लड़की था, लड़का था, उनका रिश्तेदार था, पड़ोसी था। तो हो सकता है सर्वर उनकी पुत्र हो सकता है, उनकी पोती हो सकती है, या पड़ोसी का कोई बच्चा हो सकता है, रिश्तेदारों का कोई बच्चा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें सर्वर शब्द के अलावा और कोई इसके बारे में पता नहीं चलता है। आगे है भाषा की बात। देखिए भाषा की बात में क्या होता है, हम ग्रामर का पोर्शन करते हैं। तो देखिए क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनती है। तुम भी इस संस्करण में से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और भाववाचक संज्ञा बनाओ। देखिए पुकारना से पुकारा, यानी कि क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। पुकारना क्रिया है, पुकार ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। भरना क्रिया है और इसकी भाववाचक संज्ञा भराव, बदलना, बदलाव, घूमना, घुमाओ, लगना, लगाना, लगाओ, दौड़ना, दौड़, पहुंचाना, पहुंच, पहनना, पहनाओ। ये क्या थे, ये क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई थी। आगे है चार दिन कुछ व्यक्ति एक लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इनमें से चार कुछ और एक लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का अभाव होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी चार दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक संज्ञा विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार एक लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए हम इसे परिमाणवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए चार दिन ये क्या विशेषण है, तो चार दिन ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। कुछ दिन ये क्या हो गया, इसमें हमें संख्या नहीं बताई गई है, तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, चार दिन से तो क्या होता है, संख्या का बोध होता है। और कुछ से अनिश्चित संख्या, कुछ में कुछ भी हो सकता है, दस भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, तो ये अनिश्चित संख्या वाला विशेषण एक लीटर ये परिमाण है, यानी मात्रा क्वांटिटी है, तो इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आगे क्या पूछा गया, अब हमें ये तो बताया गया था, अब प्रश्न क्या पूछा वो देखिए। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेद लिखो। अब ये हमें भेद बताया गया था किसके, विशेषण के, संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्या वाले विशेषण और परिमाण वाले विशेषण। अब हमें दिए गए इनके हमें विशेषण लिखने, देखिए मुझे दो दर्जन केले चाहिए। अब दो दर्जन क्या है, दो दर्जन इसके संख्यावाचक विशेषण है। दो किलो अनाज, दो संख्यावाचक विशेषण। कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे क्या है, अनिश्चित संख्या वाले विशेषण। तो बच्चों दो किलो, ये हमने दो पे ध्यान दिया, किलो पे हमने ध्यान नहीं दिया था, तो दो किलो क्या है, ये परिमाणवाचक है। दो दर्जन तो क्या गिन सकते हैं दर्जन को, दर्जन में क्या होते हैं, एक दर्जन में 12, दो दर्जन में 24, तो इसे हम गिन सकते हैं, तो संख्यावाचक। अब दो किलो हम गिन नहीं सकते, किलो कितना, दो किलो है, लेकिन किलो को हम नहीं गिन सकते, ये परिमाणवाचक। कुछ बच्चे, ये अनिश्चित संख्या वाले विशेषण है। आगे सभी लोग हंस रहे हैं, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। सभी क्या होता है, सभी होता है आपका अनिश्चित। अब पता नहीं कितने लोग हैं, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो तुम्हारा ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। तो ये क्या हो गया आपके विशेषण। अब आगे है इस वाक्य में रेखांकित शब्द, सॉरी प्रश्न नंबर 3, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संख्याओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में इससे 5 उदाहरण लिखो। पाठ के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण, तुम्हारी दादी, हम, अपने मोजे, हमारे समय में, मेरे चेहरे की, मेरा चश्मा थी, क्या है, ये सर्वनाम वाले विशेषण है। अब आगे देखिए कुछ करने को। अब देखिए बच्चों कुछ करने को क्या होता है, ये हमारा क्या है देखते हैं हम। अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने का को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे, और पोशाक बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखोगे, अपनी कल्पना से पोशाक का डिजाइन बनाओ। अब क्या कहा है, अब देखिए बनाओगे और पोशाक बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखोगे, अपनी कल्पना से पोशाक का डिजाइन बनाओ। यहाँ देखिए क्या कहा है कि अगर आपको कोई ड्रेस बनाने को कहा जाए तो कैसी ड्रेस बनाओगे, किन किन बातों का ध्यान रखोगे, तो हमें अपने जो कल्पना है इमेजिनेशन से पोशाक बनानी है। देखिए मैं एक भारतीय हूँ, यदि मुझे कोई पोशाक बनाने को कहा जाए तो मैं भारतीय पहनाव को ध्यान में रखकर पोशाक बनाऊंगी या बनाऊंगा। यह पोशाक ऐसी होगी जो मुझ पर फपती हो, उससे देखने वाला उसकी प्रशंसा किए बिना न रह सके। मेरी पोशाक शालीनता की प्रतीक होगी। पोशाक बनाते समय उचित माप, डिजाइन, व्यक्तित्व के अनुरूप रंग का ध्यान रखूंगी। तो ये क्या है, ये जब एक ड्रेस बनाने के लिए कहा जाए तो ऐसी मेरी मानसिकता है कि मैं इस प्रकार का
इन बातों का ध्यान रख के पोशाक बनाऊंगी। अब आगे है, तो इन बातों का ध्यान रख के मैं एक ड्रेस बनाऊंगी। आगे है, 3 दिन के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने इकट्ठा करके कक्षा में बताऊं। इन नमूनों को छूकर देखो और अंतर महसूस करो। यह भी पता करो कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने के लिए अनुकूल है। देखिए, 3 समूहों में बंटकर हमने नमूने एकत्र किए। कपड़ों के इन नमूनों को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, सूती, रेशमी और ऊनी। रेशमी वस्त्र रेशम के कीड़ों से प्राप्त रेशम से तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार के रेशम से तैयार वस्त्र शुद्ध रेशम के होते हैं। रेशम कृत्रिम रेशों से भी तैयार किए जाते हैं। रेशम के वस्त्र हल्की सर्दी के दौरान पहने जाते हैं। सूती वस्त्र कपास के तंतु से तैयार किए जाते हैं। सूती वस्त्र में कई उपवर्ग के वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे शुद्ध कपास द्वारा निर्मित सूती वस्त्र, कृत्रिम रेशों को मिलाकर तैयार किए गए सूती वस्त्र। सूती वस्त्र में भी कई उपवर्ग के वस्त्र पाए जाते हैं, जैसे शुद्ध कपास द्वारा निर्मित सूती वस्त्र, कृत्रिम रेशों को मिलाकर तैयार किए गए सूती वस्त्र। सूती वस्त्र ग्रीष्म ऋतु में पहने जाते हैं। उन्हीं वस्त्र भेड़ की ऊन से तैयार किए जाते हैं। ये वस्त्र गर्मी को अपने अंदर रोके रखते हैं। इन वस्त्रों को शीत ऋतु में पहना जाता है। अब देखिए, ये क्या था आपका, 3-3 समूह में अगर बांटा जाए तो किस प्रकार के कपड़े हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमें बताया। आगे है, हथकरघा और मिल के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करो। संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर जानकारी इकट्ठी करो। हथकरघा यानी हाथ से जो कपड़े बनाए जाते हैं उसको हथकरघा, और मील यानी कि जो मशीनों के द्वारा कपड़े बनाए जाते हैं उनमें अंतर पता करने। देखिए, भारत में हथकरघे का प्रयोग प्राचीन समय से होता रहा है। प्राचीनता के समय में तो गांधी जी ने भी हथकरघे से बुने वस्त्र पहने पर जोर दिया था। वर्तमान समय में सरकार इसको संरक्षण प्रदान कर रही है। हथकरघा और मिल के कपड़ा बनाने के तरीकों में बहुत अंतर है। हथकरघा जैसा नाम इसके नाम से स्पष्ट है, हाथ से चलाए जाने वाला। हथकरघा से कपड़ा बनाने में अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। इससे निर्मित कपड़ा खुरदरा और मोटा होता है। इससे कपड़ा तैयार करने में भी अधिक समय लगता है। मिल में कपड़ा मशीनों द्वारा तैयार किया जाता है, जिससे समय और परिश्रम दोनों की बचत होती है। मिल में तैयार कपड़ा अच्छी किस्म का मुलायम चमकदार होता है। कपड़ों के कारखाने में जाकर जानकारी एकत्र करने पर ज्ञात हुआ कि यहाँ कपड़े का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो ये क्या था, ये था हमारा कि जब हम मिल में मशीनों में देखते हैं कारखानों में कि कैसे कपड़े बनते हैं। अब आगे देखिए, ये हमारा लास्ट है, ये देखिए क्या है। हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। कक्षा के बच्चे और शिक्षक इनके विविध रूपों के बारे में बातचीत करें। देखिए, अलग हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। कक्षा के बच्चे और शिक्षक इनके विविध रूपों के बारे में बातचीत करें। देखिए, भारत विशाल एवं विविधता वाला देश है। यहाँ भिन्न भिन्न राज्यों के लोग भिन्न भिन्न तरह की पोशाकें पहनते हैं। इन राज्यों की बोलियाँ, भोजन, सभ्यता और संस्कृति सब अलग अलग है। सभी की अपनी विशेषता है। आज हम यहाँ कुछ प्रमुख राज्यों के भोजन और पहनावे के विषय में बातचीत करेंगे। यानी हमारा देश है तो विविधता वाला देश है। यहाँ खूब सारे प्रकार के लोग पाए जाते हैं। हर क्षेत्र में अलग प्रकार का भोजन है, अलग तरह के कपड़े हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, राजस्थान, सबसे पहले जो हमारा राज्य है राजस्थान, इसके बारे में देखेंगे। राजस्थान जो भोजन होता है कैसा होता है, ढोकला, चूरमा, दाल बाटी आदि। कपड़े देखिए कैसे पहनते, स्त्रियाँ लहंगा चोली और चुनरी पहनते, जबकि पुरुष धोती, अंगरखा और सिर पर पगड़ी पहनते। अब केरल का भोजन कैसा होता है, डोसा, सांभर, इडली, मछली, चावल आदि होते हैं। और कपड़े कैसे पहनते, केरल में स्त्रियाँ लहंगा चोली, साड़ी व ब्लाउज पहनती, पुरुष लुंगी व कमीज पहनते हैं। अब पंजाब का भोजन, हमें भोजन क्षेत्र विशेष के भोजन और क्षेत्र विशेष के कपड़ों के बारे में बातचीत करनी है। कि पंजाब का भोजन सरसों का साग, मक्के की रोटी, छाछ, अचार, पापड़ आदि। कपड़े देखिए, पंजाब की स्त्रियां सलवार कमीज और दुपट्टा पहनती हैं, और वहां की पुरुष धोती, कमीज, कुर्ता और पायजामा मुख्य रूप से पहनते। कुछ लोग पेंट कमीज भी पहनते हैं। अब बंगाल का भोजन, बंगाल के लोगों का मुख्य भोजन चावल, मछली, संदेश, रसम और रसगुल्ले आदि हैं। पोशाकें देखिए कैसी, बंगाली स्त्रियां साड़ी ब्लाउज पहनती हैं और पुरुष धोती कुर्ता पहनती हैं। अब कश्मीरी भोजन, राजमा, चावल, मांसाहारी भोजन और कहवा आदि। पोशाकें देखिए, कश्मीर की स्त्रियां फिरन सलवार पहनती। फिरन क्या होता है, एक लंबा सा कुर्ता होता है, ढीला डाला, उसे फिरन कहा जाता है। वे अपने सिर पर रुमाल व कश्मीरी टोपियां पहनती हैं। यहाँ के पुरुष पठानी सूट, उसके ऊपर जैकेट और कश्मीरी टोपियां पहनते हैं। तो ये तो था क्षेत्र विशेष के बारे में भोजन और पोशाकें। ये तो आज का आपका हमने पढ़ा। अब आपको नोटबुक में वर्क क्या करना है वो देखिए आप। तो आज का आपका वर्क रहेगा, प्रश्न नंबर 1 संस्करण से, 2, 3,
और चार, और आगे से है आपका फर्स्ट, फर्स्ट ही करना है। तो आज आपके पांच प्रश्न अपनी नोटबुक में आपको अच्छे से करने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और इसमें संस्मरण से आगे से फर्स्ट, ये पांच प्रश्न आज आपकी नोटबुक का आपका होमवर्क रहेगा। तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा, यही आज आपका वर्क नोटबुक का रहेगा। और आपको क्या करना, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना है, ठीक है। तो आज का आपका ये होमवर्क रहेगा, अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।